हैं, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और आयरा जा चुकी है। फिलहाल मैं बनाने लगी हूँ अब खिचड़ी, क्यों? क्योंकि अरविंद को पड़ा हुआ बुखार है। तो अभी उसके लंच में भेजेंगे खिचड़ी, 8:30 में अभी 8:15 हुआ। और फटाफट से खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि रात में भी खिचड़ी बनेगी, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो जाके जल्दी से मेरा ब्लॉग देख लो, 7:30 बजे आ गया होगा। तो फिलहाल अभी ये वाला ब्लॉग छोड़ो और मेरा कल का ब्लॉग देखो, फिर इसको देखना। तो कल भी खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बना रही हूँ। चाय वगैरह हमने पी ली है, आयरा भी पी के चली गई है। बस मेरे को फटाफट से बना रहे थे खिचड़ी, हल्की फुल्की। तो कल तो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी फॉर माय स्टाइल। तो बना लेते हैं फटाफट सब खिचड़ी। तो गाइज जब तक बन रही है खिचड़ी, और फटाफट से मैं अपने बर्तन मांझ लेती हूँ ताकि जल्दी से फ्री हो जाए। जा रहे हैं अपने बैंक खिचड़ी ले गए। तो गाइस बच रहे 9 और मेरी किचन पूरी साफ हो गई है, और अब ये रूम करते साफ। बाकी तो साफ ही है। अभी आयरा जब गई है तो उसके कपड़े पड़े हुए हैं, तो फटाफट से ये साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद अपने कभी तो भी सोया हुआ है, और अपना रूम वगैरह थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जैसे बिस्तर वगैरह उठा लेते हैं। और चलो जैसे जैसा होता है दिखाती हूँ मैं आपको आगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मतलब दिक्कत पाल होती क्या? तो फाइनली गाइस मैं नहा ली हूँ, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 के आसपास ही हो रहा होगा। और अब मैं खाना गरम कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट करने के लिए चाय बन रही है, खिचड़ी गरम करी। एक बीना मेरे को बहुत अलग करी है, थैंक यू। तो चलो फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फाइनली गाइस बज रहा है 12:30, और मैं अभी कबीर को सुला के आई हूँ, और अब करते हैं अपनी एडिटिंग। फटाफट से एडिटिंग कर लेते हैं क्योंकि फिर आयरा का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। पहले वो स्कूल से आएगी, फिर उसको डिनर वगैरह देना, फिर उसका टाइम हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट से कर लेते हैं अपनी एडिटिंग और जल्दी से हो जाते हैं फ्री। तो गाइस अभी बजे 2:30, और फाइनली मेरी एडिटिंग होने लगी है। मैं करीब 12:30 बजे से बैठी हुई हूँ एडिटिंग करने के लिए, और अब जाके हो रही है। इतना पंगा बड़ा है ना आईफोन और विंडो पीसी के लिए, मेरे को दिमाग ख़राब करके अब लगभग मेरी हो रही है। फिलहाल देखो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और ये तो आयरा आई ट्यूशन से, फिर देखो आके सो गई। और कबीर अभी सो रहा है, तो मैं फटाफट से कर लूँ अपनी एडिटिंग, फिर छोड़ के आते हैं इसको। बस 15 मिनट और देने हैं, देखते हैं 15 मिनट में होती है कि नहीं। अगर हो गई तो फिर मैं अपलोडिंग पे लगा के चली जाऊँगी। तो
आज मैंने जाना भी है तो दिखाती हूँ मैं आपको वो भी सारा कुछ। उसका भी टाइम 3 बजे का, इसका भी टाइम 3 बजे का। चलो मिलती है जल्दी से। तो गाइज अभी बज 3:30 और मैं आयरा को ट्यूशन छोड़ आई हूँ। तो फिलहाल मैंने कबीर को दे दिया दूध और अब मैं रेडी होती हूँ क्योंकि मैंने जाना है कीर्तन पे। तो मैं दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, अगर शूट हो पाया तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइज मैं रेडी हूँ और अभी बज रहे हैं 4:15। देखो तो बस जा रही हूँ मैं अब कीर्तन पे। तो आके मिलती हूँ मैं आपसे, अगर हुआ तो थोड़ा सा शूट कर दूंगी फिर। चल फिर दिखा दूँ। चलो तो गाइस थोड़ा सा फंक्शन आपको दिखा दिया, इससे ज्यादा वर्क कर पाऊंगा। तो गाइस अभी बजे शाम के 6 और मैं अभी आई हूँ जस्ट। तो मैं फटाफट से बस सामान रख के और आयरा को लेने चलते हैं आप ट्यूशन से। तो गाइस आज तो मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि 6:30 हो गया और मेरी सब्जी अभी तक रेडी भी नहीं हुई है, सब्जी भी नहीं बनी है। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ आलू गोभी, गोभी पड़ी थी मेरे को, चलो फटाफट से यही बना देते हैं। जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ, वाटर हो जाए। बीच में कोई फंक्शन आता है ना, जैसे आगे पीछे टाइम मैनेज हो जाता है, ये मेरा टाइम है मेरे को खाना बनाना होता है इस टाइम का, बहुत टफ हो जाता है। ऊपर से आयरा को भी लेके आई हूँ, अब दोनों अंदर कमरे में हैं और मैं इधर। फटाफट पहले सब्जी बना दे, सब्जी बनी होगी ना, कोई टेंशन नहीं है। बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं तो सब्जी बनी होगी तो बस उसमें कोई टेंशन नहीं होती। फिर होता बस चलो रोटी बनाओ और खा लो। सब्जी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में मेरे लिए। तो अभी मैरिज भी जाना है, मैरिज को तो चलो अभी टाइम है, आज क्या है 29 ना, 4 तारीख को जाना है तो इसके लिए तो टाइम है। चलो ये है कि अब गली में से आया था कार, जाना बनता है इसलिए हुआ है। बच्चे के साथ बहुत टफ होता है, आयरा होती है तो उसको संभाल भी लेती है, अपना अकेली थी और कभी के पीछे भागना बहुत टफ हो जाता है। लास्ट टाइम तो मैं मंदिर गई हूँ और पता ही है आपको, मैंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं कि मेरे को आयरा को लेना था। ये भी तंग कर रहा था, खाने पीने क्या देता है ये मेरे को। तो लेना भी आयरा को भी लेना था। जैसे कीर्तन खत्म हुआ बस प्रसाद मिला, मैं प्रसाद लेके आ गई। आ गए करीम, कर किधर करता मम्मी करके दिखा, मम्मी करके दिखा करके कबीर बोले ऊ कर दिखा मम्मी। करके दिखा दे, फोन दूंगा, फोन दूंगा। ऊ कर दिखा दे, फोन दूंगा, फोन 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 दूंगा। पहले पहले करके दिखा, पहले करके दिखा, फोन पे लग करके दिखा, पहले करके दिखा मम्मा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30 और मेरा आज खाना खाने का दिल नहीं कर रहा
और दिल कर रहा है बादाम वाला दूध पीने को, और वो भी वेर का काम। तो मैंने कहा अरविंद को कि चलो वेर का दूध ढूंढ के लाते, तो चलो अगर कोई शॉप खुली होगी तो दूध लेके आते एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे तो फाइनली गाइस दूध मिल गया और 100 रुपये सुहागा हो गया मेरे जाने का, मेरे को मिल गया मेरा भी तो अमूल का। अमूल इज़ द बेस्ट। एक्चुअली जब मैं दिल्ली में थी तो हमारे यहाँ तो ये सब गाय का भैंस का ये सब दूध नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें अमूल का, मदर डेयरी ये सब मिलता है, और उसी की मुझे हैबिट डली हुई है। मुझे ये सब बाकी वैसे दूसरे स्वाद भी नहीं लगते, मुझे यही होता है। तो भी मेरा आज दिल कर रहा था काफ़ी टाइम के बाद कि नहीं मैं अमूल का दूध या मतलब वेर का भी, चलो ठीक है यहाँ आने के बाद वेर का स्टार्ट हो गया, वेर का भी ठीक लगता है, तो अंत का नहीं पैकेट वाला दूध लेके आना। और देखो अमूल का दूध और मैं एक्स्ट्रा लेके आई पैकेट। तो गाइस ये मैंने मसाला रेडी किया है, काजू बादाम और पिस्ता अच्छे से चॉप किया और इलायची वाला दूध बॉयल हो रहा है, और ये आयरा हॉट चॉकलेट। तो अभी तो अरविंद गए हैं अपनी कटिंग कराने के लिए, आते हैं तो फिर फटाफट से दूध सर्व करके फिर दूध पियेंगे। बस तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।